तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। टिल नाउ हम डाइजेशन कर चुके हैं। डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, वो डाइजेस्ट होकर क्या बन जाता है, फाइनली एक छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज। हम जो भी प्रोटीन्स खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर फाइनली क्या बन जाते हैं, अमीनो एसिड्स। और हम जो भी फैट्स खाते हैं वो डाइजेशन होकर फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हमने डाइजेशन में पढ़ा था। अब है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बना है, इस सबको फाइनली अब हमने कहाँ पहुंचाना है, इन द ब्लड। और ब्लड तक पहुंचाने के इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है, एब्जॉर्प्शन। इसको डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से यहां से फूड आ रहा है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया और यहां पर आकर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, इस वॉल के अंदर, जो ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको मैं अब इस तरह से दिखा रही हूं। अब इस वॉल के अंदर जो है, इस फूड को सारे को अंदर जाना है, इस तरह से इसके अंदर जाना है। मतलब ये जो वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये हमने बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर हमने याद करें कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर किया था जिसमें हमने बनाए थे विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन की ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, अगर इतने को हम कट करके माइक्रोस्कोप में देखें तो ये हमें स्ट्रेट लाइन ना होकर इस तरह से विलाई की फॉर्म में दिखती है। विलाई भी क्या है, आगे बाइफरकेटेड होते हैं इनटू माइक्रो विलाई, जिससे कि एक ब्रश बॉर्डर, जैसे टूथब्रश होता है वैसा अपीयरेंस आ जाता है। तो ये क्या है, एक विलाई, और ये क्या है, माइक्रो विलाई। अब इसमें भी मैं आपको एक जो है सिंपल एक विलाई जो है यहां पर ड्रॉ करके दिखा रही हूं, सिंपल एक विलाई। इस विलाई के अंदर क्या क्या होगा, इस विलाई के अंदर आएंगी ब्लड वेसल्स। ये इसकी वॉल से भी कनेक्टेड है और अंदर की ओर भी ये कनेक्टेड है, किससे, लैक्टियल्स से। किसी ने शायद पूछा था, मैम लैक्टियल्स क्या होता है ना, तब हमने ये डिस्कस नहीं किया था, मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे हम। सो दीज आर लैक्टियल्स। होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर थोड़ा सा ध्यान दें तो सर्कुलेशन जो है ब्लड की होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है ये दो तरीके से होती है, एक तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो ब्लड है, ये हमने ब्लड वेसल्स नाम दे देते हैं इसको। एक और ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है हमारे पास, दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ जो है एक कलरलेस फ्लूइड है, इसके बारे में डिटेल में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे। जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स फैली हुई है, ऐसे हमारे अपर बॉडी, हमारे नेक रीजन, आर्मपिट्स, अंडर आर्म्स वाला एरिया, इस और ग्रॉइन वाला एरिया मींस जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बाहर की ओर, उस एरिया में लिम्फ वेसल्स जो है वो थाइस वाले एरिया में बहुत ज्यादा फैली होती है। और इनके अंदर जो फ्लूइड जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ।
छोटी छोटी पतली पतली जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैक्टियल्स, और ये लैक्टियल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, जो मैंने आपको ब्लैक कलर से दिखाया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है इन द फॉर्म ऑफ विलाई, और विलाई जो है वो आगे किसमें ओपन होंगे इनटू माइक्रोविला। अब होता क्या है, जो भी फूड यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ये फूड जो आ रहा है जो डाइजेस्ट हो चुका है जेजुनम में और इलियम में, खासकर सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो इलियम पार्ट में होती है, और इलियम हमने पढ़ा था इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लगभग 6 मीटर लंबा तो इलियम ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसकी वॉल इस तरह से विलाई की फॉर्म में होती है। तो ये जो फूड इलियम के अंदर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो ये फूड अब किसमें बदल चुका है, यहाँ पर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो किसमें टूट गए ग्लूकोज में, प्रोटीन्स जो थे उनका ब्रेक डाउन किसमें हो गया एमिनो एसिड्स में, और जो फैट्स थे वो किसमें बदल गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फाइनली कहाँ जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, वॉल के अंदर जहां पर ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है ये एक ब्लड वेसल, तो ये इसका मतलब फाइनली किसमें मिक्स हो जाएंगे इस ब्लड के अंदर, ठीक है। कौन कौन मिक्स हो जाएंगे, ग्लूकोज गैलेक्टोज अमीनो एसिड्स ये सब आसानी से ब्लड के अंदर चले जाते हैं। प्रॉब्लम किसके आती है, प्रॉब्लम आती है हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, फैटी एसिड ग्लिसरॉल एक बड़े फैट के मॉलिक्यूल से बनते हैं और अभी टूटकर भी ये क्या है एक बड़ा मॉलिक्यूल ही है जो अभी भी ब्लड में आसानी से मिक्स नहीं हो सकता, तो जितने भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल है उनको ब्लड वेसल्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वो फाइनली कहां जाते हैं पहले लैक्टियल्स के अंदर, ये जाएंगे पहले लैक्टियल्स के अंदर, लैक्टियल्स के थ्रू फिर ये इनकी प्रोसेसिंग होती है, इन पे कोटिंग होती है, और फिर फाइनली ये वापस एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होकर ब्लड के अंदर ड्रेन कर दिए जाते हैं। कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस हम देखते हैं, पूरी एब्जॉर्प्शन को अगर हम देखें तो 3 तरह से एब्जॉर्प्शन हो सकती है, एक होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक होती है फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, और एक होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव का मतलब सुस्त मींस जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मतलब एटीपी, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिना कुछ मेहनत किए बिना कोई एनर्जी लगाए आसानी से ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, नंबर वन इज ग्लूकोज, क्योंकि बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है आसानी से जो है वो इंटेस्टाइन की जो कैविटी है या स्मॉल इंटेस्टाइन से आसानी से ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। इसके अलावा अमीनो एसिड्स, वो भी पैसिव, बिना कोई सोचे समझे बिना कोई एनर्जी खर्च किए चले जाते हैं पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी फैसिलिटेटेड, फैसिलिटी मतलब एक सहूलियत प्रोवाइड हो जाना, सहूलियत कैसे, जैसे अगर हम मान लो कि कुछ जो है हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जो डायरेक्टली नहीं जाते ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पाते तो वो फैसिलिटी लेते हैं, कुछ अमीनो एसिड सोडियम आयंस की फैसिलिटी लेते हैं, मतलब ये इंटेस्टाइन की वॉल है और ये पड़ा हमारे पास यहाँ पर सोडियम आयन, और ये यहाँ से हमारा एक अमीनो एसिड है जो कि आसानी से ब्लड के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या करता है ये सोडियम वाले रास्ते से ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, तो इसने सहूलियत ले ली, फैसिलिटी ले ली, किसकी, सोडियम आयन की, तो इस तरह की डिफ्यूजन, इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का मतलब जिसमें डायरेक्टली एटीपी लग रही है, एटीपी खर्च कर हम किसी चीज को ब्लड के अंदर जो है मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और कौन ट्रांसपोर्ट होता है, थोड़ी सी बड़ी शुगर, ऐसा नहीं है कि हम जो भी शुगर्स खाएंगे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे
सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इतनी बड़ी शुगर्स होती हैं या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो हम पूरी तरह से उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो वो गैलेक्टोज वही रह जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, कुछ पैसिवली हो जाएगा, कुछ फैसिलिटेटेड भी हो सकता है, जो बच गया वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड के अंदर जाएगा और कुछ अमीनो एसिड्स भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू अंदर जाएंगे। अब ग्लूकोज अमीनो एसिड्स तो बहुत आसानी से चले जाते हैं, प्रॉब्लम आती है हमें सबसे ज्यादा किसमें, फैट्स के अंदर। फैट्स जो है उनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वो एब्जॉर्प्शन पहले होगी लैक्टियल्स के अंदर, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और लैक्टियल से जाएगा वो ब्लड वेसल के अंदर। लेकिन इसमें भी काफी सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। होता क्या है, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, जो आपने डाइजेशन के बाद बना लिया। अब ये जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं, जो फैट थे, हमें पता है सबसे पहले इनकी क्या हुई थी, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जब ये सारा फूड जब जाता है तो इसकी क्या हुई थी, इमल्सिफिकेशन। हमने पढ़ा जो फैट्स हैं फाइनली इसमें कन्वर्ट होते हैं, लेकिन फैट्स की पहले क्या होती है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल दिया जाता है। तो ऐसे ही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को भी पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल दिया जाता है बाय इमल्सिफिकेशन। अगेन इमल्सिफिकेशन यहाँ पर कौन कर रहा है, बायोसॉल्ट्स। तो इससे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने वो क्या बने, मिसेलेस। अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस दोनों एक साथ चल रहा है, फैट्स और फैटी एसिड ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट होंगे, पहला स्टेप क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ही, और एब्जॉर्प्शन में भी पहले इमल्सिफिकेशन ही, उसी के बाद ही होगी। तो इमल्सिफिकेशन के बाद जो हमने छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदला था, उन ड्रॉपलेट को हम क्या बोलते हैं, मिसेलेस। ये जो मिसेलेस हैं, अब फाइनली ये एंटर करती हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एंटर करेंगी, जिसके अंदर बने हुए हैं विलाई और बीच में है लैक्टियल्स। ये छोटे छोटे मिसेलेस एंटर कर रहे हैं। अब अंदर जाकर क्या होता है, इन मिसेलेस को अभी भी ब्लड के अंदर क्योंकि नहीं डाला जा सकता, तो ये मिसेलेस का क्या होता है, इन मिसेलेस की होती है पैकेजिंग। तो जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग है, उसके सेल्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो सेल्स कर रहे हैं पैकेजिंग। बेसिकली अगर आपने 9th-10th में सेल चैप्टर पढ़ा है, तो सेल के अंदर पैकेजिंग का काम कौन करता है, गॉल्जी एपरेटस। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो वी ऑलवेज रैप इट, हम उसको रैप करते हैं, पहले गिफ्ट पैकिंग करते हैं। तो ऐसी ही गिफ्ट पैकिंग हमारे सेल के अंदर हर चीज की कौन कर रहा है, गॉल्जी एपरेटस। तो ये मिसेलेस को पहले पैकिंग करनी है, लेकिन पैकिंग करने से पहले भी इनकी एक बार फॉर्म जो है वो बदली जाती है, तो इनको चेंज किया जाता है, इनको वापस जो है मिसेलेस को बदल दिया जाता है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। शुरू कहां से हुए थे हम, फैट्स। फैट्स हमने क्या कहा था, क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, कैसे, इमल्सिफिकेशन करके, और इमल्सिफिकेशन करके वापस इनको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनके ऊपर पैकिंग कर दी जाती है, एक कोटिंग कर दी जाती है, इन लिपिड्स के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, और अब ये जो लिपिड्स हैं, जो पूरी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर जो है फैट्स की कोटिंग हो गई, कहां पर हुई, गॉल्जी एपरेटस में हुई। तो फाइनली जो ये ट्राइग्लिसराइड जिनके ऊपर लिपिड्स की कोटिंग कर दी गई है, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएंगे काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये कन्वर्शन होकर ये लैक्टियल्स के पास कौन पहुंच रहे हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं, इनको एंटर करवा दिया जाता है इनटू द लैक्टियल्स। अब मैं यहां पर दिखा रही हूं, ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल किसमें बदल गए, इनटू पहले मिसेलेस में, फिर काइलोमाइक्रॉन्स में, और ये काइलोमाइक्रॉन्स अब लैक्टियल्स के अंदर पहुंच गए। हमारी जितनी भी लैक्टियल्स हैं, जो ये लिम्फ वेसल्स हैं, जितनी भी, वो सारी लैक्टियल्स जो हैं, वो ओपन होती हैं इनटू लिम्फ वेसल, और हमारी सबसे बड़ी लिम्फ वेसल है थोरेसिक लिम्फैटिक डक्ट।
गले में, ये यहाँ पर इधर नेक में एक बहुत बड़ी लिम्फ की एक वेसल होती है, जितनी भी बॉडी की छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स है वो सारी इकट्ठी मिलकर इस थोरेसिक डक्ट में ड्रेन कर देती है, सारा अपना मटेरियल यहाँ पहुंचा देती है। तो फाइनली ये काइलोमाइक्रोन्स भी कहाँ पहुंचेंगे, हमारे लिम्फेटिक में, और इस लिम्फेटिक डक्ट के जो है वो ड्रेन करती है इनटू हमारी आर्टरीज में। तो ये आर्टरीज में इसने एक बार रिपीट करना लिम्फेटिक डक्ट से, लेट मी कंप्लीट, दो तीन बार बताऊंगी मैं सारी बात। तो ये आर्टरीज से फाइनली पहुंच गई एओर्टा में, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर। तो यही कारण है कि फैट्स को जो हम कहते हैं डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर कोई बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हाँ ये तली हुई चीज मत खाओ, ये देर से हजम होगी, तो दे आर राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डाइजेशन में भी पढ़ा फैट्स की डाइजेशन सबसे मुश्किल है, पहले इमल्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदलेंगे, ठीक है, फिर उसको फैटी एसिड, फैट्स जो है मतलब ट्राइग्लिसराइड, सबसे पहले उनकी क्या होगी इमल्सिफिकेशन, यानी कि उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में बदल देंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं मेसेलेस। मेसेलेस जो है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उनको वापस रिकन्वर्जन कर दी जाएगी इंटू ट्राइग्लिसराइड्स। पहले फैट्स जो थे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में थे, उनको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदला इमल्सिफिकेशन करके, उसके बाद जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल गए फिर से उनको इमल्सिफाई करके मिसेलेस बनाया गया, मिसेलेस से फिर वापस ट्राइग्लिसराइड्स बनाए गए, फिर ये ट्राइग्लिसराइड्स को इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल के सेल्स के गॉल्जी अपरेटस ने ऊपर लिपिड्स की पैकिंग करके क्या बना दिया, काइलोमाइक्रॉन्स। अब जो ये काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये कहाँ जाते हैं, लैक्टियल्स के अंदर, लैक्टियल्स के अंदर से फिर ये कहाँ पहुंचते हैं, मेन लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जो हमारे थोरेक्स नेक वाले रीजन में होती है, और फिर वहां से हमारी एओर्टा या आर्टरीज के अंदर इसको, यानी कि ब्लड के अंदर इसको भेज दिया जाता है। जहां पर अगर हम कंपैरिजन करें ग्लूकोज की, तो ये था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो मैंने ग्रीन से दिखाया था। ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज सीधा ही ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर रहे हैं, इनको लैक्टियल्स की जरूरत ही नहीं है, कोई लिम्फ वेसल्स की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी कार्ब्स खाएंगे, यानी कि हम जो भी चपाती राइस और ये चीजें खा रहे हैं, अगर उसमें ऑयल नहीं है ज्यादा, तो वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होकर फटाफट से वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। इसीलिए जब हम हैवी खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती, नॉर्मली डाइजेशन जो है हमारी 3 to 4 hours के अंदर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। लेकिन अगर हमने ग्लूकोज या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स लिए हैं, फैट लिया ही नहीं, ऑयल खाया ही नहीं, तो क्या होगा कि हमें वो जो ग्लूकोज बनाना है, जो हमें अमाइनो एसिड बनाने हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, वो काम जल्दी से हो जाएगा और हमारा फूड जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। इन कंपैरिजन आपने अगर फ्राइड फूड खाया है, पूरियां पकौड़े ऑल दिस थिंग्स जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल और बहुत ज्यादा फैट यूज हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वो सारी चीजें बहुत टाइम लगाएंगी, पहले तो डाइजेस्ट होने में इतनी प्रोसेसिंग है उनकी, फिर एब्जॉर्ब होने में इतनी बड़ी प्रोसेसिंग है, तो ऑब्वियसली वो खाकर हमें भूख भी जल्दी से नहीं लगती है क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में ही टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में ही क्यों होती है, क्योंकि हमने इलियम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है कि देखो ये एक फूड पार्टिकल है, ये चला पहले यहां से जाएगा फिर माइक्रोविलाई में, एक एक माइक्रोविलाई, अब जितना ज्यादा ये ट्रैवल करेगा इसके अंदर उतना ही इसको टाइम मिल जाएगा ब्लड के अंदर डालने का, यानी कि हमने जितना भी फूड खाया है जिसका ब्रेक डाउन हो गया है वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको जितना लंबा रास्ता गुजरना पड़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो दिस इज हाउ एब्जॉर्प्शन अकर्स। हाँ जी, अब क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन। अब अगर एक ब्रीफ समरी अगर हम लें इस एब्जॉर्प्शन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ या बकल कैविटी की। तो
तो माउथ है बक्कल कैविटी में कुछ हद तक जो हम कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च खा रहे हैं कुछ हद तक वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, नॉट मच, बहुत अच्छे से नहीं होते। फिर हम बात करें स्टमक की, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होती है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है और बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज की? अल्कोहल की। अल्कोहल को कुछ नहीं जरूरत कि पहले वो माउथ, ब्यूकल कैविटी, देन इसोफेगस, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन में जाकर कब जाके ब्लड में पहुंचेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टमक में इमिडिएटली अल्कोहल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, वो हमेशा अल्कोहल के साथ कुछ फैटी ईटेबल्स लेते हैं, जैसे चिप्स हो गए, नाचोस हो गए, तली हुई चीजें, ऐसी चीजें जो हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में बहुत तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, तो ऐसी चीजें जो है वो अल्कोहल के साथ जरूर कंज्यूम करते हैं, तली हुई चीजें। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर किसी पर्सन की स्टमक के अंदर डायरेक्टली जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल जो है आया और ये डायरेक्टली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो वो एकदम से ब्लड के अंदर चला जाएगा सीधा ही। स्टमक के पास भी तो आखिर ब्लड वेसल्स हैं ही, स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होने का मतलब स्टमक की ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, तो अचानक से इतना नशा हो जाएगा और वो हो सकता है कि अपने सारे सेंसेस भी लूज कर दे, इसीलिए वो साथ में कुछ ना कुछ फैटी सब्सटेंस लेते हैं। फैटी सब्सटेंस क्या करते हैं? फैटी सब्सटेंस जो है वो अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन है उसके बीच में हिंड्रेंस कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो अल्कोहल है ये कुछ टाइम लगाती है स्टमक की वॉल में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक में किस चीज का देखा जाता है? अल्कोहल का, या कुछ ड्रग्स जैसे पोलियो ड्रॉप्स, ये भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ ऐसी मेडिसिन और भी हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत एब्जॉर्प्शन होती है। हमने कुछ दिन पहले जो हम लेक्चर कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, है ना। लेकिन कभी कभी मुझे नहीं पता आपने स्कूल में ऐसा पढ़ा है नहीं, लेकिन अब तक तो बच्चे यही पढ़ते आ रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं होता, हम ये कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, कोई भी फूड एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपैरिजन करें और कहें कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है, तो ये वाली कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है। बिकल कैविटी से सलाइवा आया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने अपनी सिक्रीशन दी, लगभग हमने किया 1 लीटर सलाइवा एक दिन में रिलीज होता है। फिर स्टमक के अंदर आया सारा फूड, स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस, लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा सबकस एंटेरिकस, लगभग 1 लीटर ये रिलीज हुआ। प्लस साथ में क्या आया? बाइल जूस आया, कितना? लगभग 2 लीटर बाइल जूस एक एवरेज पर्सन रिलीज करता है। पैंक्रियाटिक जूस लगभग 1 लीटर, ठीक है। और ये दिनों कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 7 बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इतना सारा आप देखो जूसेस जो है वो कहां तक रिलीज हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रिलीज हो गए। कितने हो गए? लगभग हमने अगर हम इसको 1.5 इतना करके 7 से 8 लीटर, और इसमें से मैक्सिमम 95% जो ये जूसेस हैं ये भी वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहीं पर ही जो है वापस जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब ये सारे जूसेस क्या है? बेसिकली तो ये सब वाटर ही है। हाँ, इनके अंदर एंजाइम्स हैं, बिल्कुल इनके अंदर हॉर्मोन्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन बेसिक जो इनका ग्राउंड सब्सटेंस है दैट इज वाटर। इसका मतलब सबसे ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम शोज द लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है,
अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, अकेला वाटर की एब्जॉर्प्शन, और कोई चीज अब्जॉर्ब नहीं होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन सबसे ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन चलती है। अगर हम फूड स्टफ्स की बात करें तो किस किस की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ हद तक कुछ छोटे छोटे फैटी एसिड्स भी कोशिश करते हैं मिक्स होने की स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली फ्रक्टोज एक तरह की शुगर है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर हम चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या अब्सॉर्ब होता है, ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज वाटर, और कुछ ड्रग्स भी। ड्रग्स का मतलब नशे वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स का मतलब है दवाइयां, जो हम कई दवाइयां लेते हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन। क्लियर है, कोई डाउट बेटा? नो मैम, नो मैम। एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लेते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। मैंने आपको बताया था पूरा डाइजेशन जो है वो तीन स्टेप में होता है। फर्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जिसको हम प्रॉपर डाइजेशन कहते हैं। दूसरा एब्जॉर्प्शन, जो हमने आज किया, यानी कि टूटे हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ब्लड के अंदर मिक्स हो जाना। और थर्ड होता है असिमिलेशन, मतलब जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन किया था इनटू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अब इन सब का किस में पहुंच जाना, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल का फ्लूइड। इस सब के अंदर इन चीजों का मिक्स हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अमाइनो एसिड्स कैसे एसिमिलेट होते हैं। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सबसे पहले जाते हैं लिवर के अंदर। यस, अमाइनो एसिड्स भी, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि लिवर के अंदर जाते हैं और फिर वहां से हमारी पूरी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे लिवर के अंदर कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो भी हमने फूड खाया है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं बनते हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर वो प्रोटीन बनाने का काम जो है वो लिवर के अंदर किया जाता है। प्लस लिवर के अंदर ही अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन भी होता है। अमाइनो एसिड्स अब और टूट जाते हैं। एक अमाइनो एसिड बेसिकली तीन चीजों से बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और जो NH2 ग्रुप था, जो नाइट्रोजन बेस है, हम उसको भी इसमें से अलग कर देते हैं, और ऐसे ही कई नाइट्रोजन बेस को ऐड करते करते एक नए प्रोटीन बना देते हैं, जो प्रोटीन हमारी बॉडी में नेचुरली नहीं बनता। हमने जो खाना खाया वो डिफरेंट प्रोटीन था, उसको तोड़ा, नई तरह का अमाइनो एसिड आ गया जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, इसीलिए हम उसको जोड़कर एक नई तरह का प्रोटीन भी यहाँ पर बना लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करें शुगर्स की, मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज, सिंगल चेन वाली, सिंगल मॉलिक्यूल वाली शुगर्स, तो ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स का क्या होता है, अगर कोई बड़ी शुगर है तो वो भी कहाँ जाएगी, पहले लिवर के अंदर जाएगी। लिवर के अंदर जाकर, ब्लड से लिवर के अंदर, लिवर के अंदर जाकर, जैसे मान लो आपके पास जो है पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में नहीं बदला और वो बदल गया इनटू फ्रक्टोज, थोड़ी सी बड़ी शुगर है, तो इस फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से अब बदल जाए। ऐसे ही गैलेक्टोज, ताकि आसानी से ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो लिवर जो है कुछ हद तक ग्लूकोज को स्टोर भी कर लेता है इस पूरे प्रोसेस में। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर किसी की कैपेसिटी है एक चपाती डाइजेस्ट करके उससे रिलीज होने वाली एनर्जी को पूरे दिन में वो खर्च कर लेता है, मतलब उसकी ब्रीथिंग,
उसकी सर्कुलेशन और जो भी वो चल फिर रहा है बोल रहा है उसके लिए उसको कितनी जरूरत है एक चपाती के ग्लूकोज की. सपोज एक चपाती से 100 ग्राम ग्लूकोज निकल रहा है, उसको जरूरत इतनी थी, लेकिन उसने अब कितनी खा ली, एक नहीं उसने खाई 2 चपाती, यानी कि 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. अब 100 ग्राम तो उसने यूज कर लेनी है, बची कितनी 100 ग्राम. अब इस 100 ग्राम शुगर का क्या होगा, ये चली जाएगी लिवर के अंदर. अब सपोज कर लो 2 की बजाय उसने 3 खा ली, तो कितनी ग्लूकोज बना ली 300 ग्राम. 100 ग्राम तो उसकी यूज होगी रोजमर्रा के काम में, 100 ग्राम लिवर ने रख ली, बाकी की अभी भी कितनी बच गई 100 ग्राम. वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी मसल्स के नीचे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फैट. तो इस तरह से बॉडी के हर एक सेल के अंदर अमीनो एसिड्स और ये शुगर्स पहुंच जाती हैं. फिर बात करते हैं फैट्स की. फैट्स का क्या होता है, फैट्स का हमें पता है फैट्स फिर से ट्राइग्लिसराइड में बदलते हैं. ट्राइग्लिसराइड जो है वो काइलो माइक्रॉन्स में बदलते हैं और ये काइलो माइक्रॉन्स फिर लैक्टियल्स के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. ब्लड के अंदर जाकर ये पहुंचते हैं अगेन लिवर के अंदर और लिवर के अंदर जाकर ये कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं. कुछ जो काइलोमाइक्रॉन्स थे ये चले जाते हैं इनटू द मसल्स और ये भी वहां पर जाकर स्टोर हो जाते हैं. तो हमारा लिवर भी फैट्स को स्टोर करके रखता है और हमारी मसल्स भी, हमारी बॉडी के टिश्यूज भी इवन की फैट को कुछ हद तक स्टोर करके रखते हैं. क्यों करके रखते हैं, कल को आप चपाती ही ना खाओ, पूरा दिन खाना ही नहीं खाओ, आप फास्ट रखना शुरू कर दो, आपको खाना मिले ही नहीं, तो कम से कम आपके बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो लगातार चलते रहे, इसके लिए ये फैट्स जो है जाकर स्टोर हो जाते हैं इन इन टिश्यूज में. तो चाहे टिश्यू है, चाहे मसल है, चाहे लिवर है, ये सब क्या है, बेसिकली इन सब के सेल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है. तो हमने असिमिलेशन की डेफिनेशन क्या की है, सभी न्यूट्रिएंट्स का फाइनली सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाना. इन सब का फैटी एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब फाइनली इस तरह से हमारी बॉडी के हर एक सेल में जाकर स्टोर हो जाते हैं. आई होप इट इज क्लियर नाउ.